हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार सभी बच्चों को मुझे पता है कि जैसे कि 26-27 तारीख को आपके आंसर की आ गए और आंसर की आने के बाद बच्चे के मन में आ गया मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसमें मिलेगा, मुझे बहुत लोएस्ट कॉलेज में मिलेगा। लेकिन करे क्या, बट फीस तो लाखों रुपये में होती है और ये लाखों रुपये की फीस कैसे भरे, ये घर वाले परेशान हैं, आप खुद परेशान हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, इतनी फीस कहाँ से लाए। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को फीस माफ होती है, कैसे माफ होती है कैसे नहीं, अगर आप फार्मर भी हो तो भी आपके लिए मैं कुछ फंडे लाऊंगा, बताऊंगा फीस कहां कहां से कम हो सकती है और कैसे। तो इस वीडियो को आपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा भाई काका काका नानी नाना चाचा चाची जो भी आपके घर वाले आपका एजुकेशन के बारे में ध्यान दे रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाना है। सर क्यों, ध्यान से सुनिएगा क्यों और किस लिए। तो चलो फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको ऑल टाइप ऑफ द स्टूडेंट, फिर वो ओपन ओबीसी एससी एसटी ओबीसी बहुत सारे कैटेगरीज है सबके बारे में बताने वाला हूँ। फीस फॉर ऑल कॉलेज इन महाराष्ट्र, ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट जो फीस है बच्चों, डेवलपमेंट फीस भी आपको पूरे तरीके से भरना पड़ती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, किसी कॉलेज के 5, 10, 15, 20, 25 के ऊपर नहीं होगी एज पर माई व्यूज, 20 या 15 एक अप्रॉक्स 15,000 होने के चांसेस है। तो चलो बात करते हैं, पहले ओबीसी 50% फीस आपकी ऑलरेडी माफ होती है, मतलब जैसे 1,00,000 फीस है बच्चों, 1,00,000 के आधे 50, और डेवलपमेंट फीस में कोई माफ नहीं होता, जितनी है उतनी भरना पड़ती है, जैसे 15,000 है तो 65,000 स्टूडेंट को फीस भरना पड़ेगी। मैं आपको ओबीसी वाले स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ओबीसी वाले स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन्होंने EWS ये नहीं करना चाहिए, EWS अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि EWS में भी 50% फीस ही माफ होती है। तो EWS वाले ओनली मुझे लगता है कि ओपन वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। ओबीसी वाले 50% फीस ऑलरेडी माफ हो रही है, तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन्होंने EWS इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट से ये जो मिल रहा है ये मत करो, ठीक है। ओबीसी वाले ही करेंगे क्या, ईडब्ल्यूएस नहीं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओनली ओपन वाले ने करना चाहिए, मेरा मेन टारगेट है, ठीक है। चलिए एससी एसटी एसबीसी एनटी वीजे एनटीडी एबीसीडी बहुत सारी कैटेगरीज है, उनके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है। जैसे 1,00,000 रुपए फीस थी वो हो गई जीरो बच्चों, और ट्यूशन फीस थी हमारे 15,000, तो आपको ओनली 15,000 ही फीस भरना पड़ेगी। किसको, ये कैटेगरी ऑल कैटेगरीज के लिए, मतलब भैया फ्री एजुकेशन जैसे ही है, ओनली डेवलपमेंट फीस आपको भरना है, ठीक है। TFWS और उनको और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिलती है, उससे भी भर सकते हैं, तो वो घर से भरने की कोई जरूरत नहीं मुझे लगता। TFWS ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम, जिनका फैमिली का आपका इनकम 8,00,000 के नीचे है, सर्टिफिकेट मिलता है तहसील से, उनको भैया फीस भरने की जरूरत नहीं ट्यूशन फीस। फिर कौन सी, ओनली डेवलपमेंट फीस भरनी है, मतलब ये और ये सेम है बच्चों, एससी एसटी एसबीसी एनटी वीजे जिनको ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम का, लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों आपका कट ऑफ बढ़ जाता है, मतलब जहां 170 पे आपको COP मिलने वाला था, जैसे कि PCCU मिलने वाला था ये बोलूंगा मैं, वहां पे बच्चों आपको 172 नंबर लगेंगे, मतलब आपको टफनेस बढ़ने वाला, नंबर ज्यादा रहे तो आपको TFWS का फायदा होता है, ओके। और ये हर कॉलेज में 5% जगह होती है, एक सीट सीट बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं एक टुकड़ी दोन टुकड़ी, तो ऐसे डिवीजन जो है एक सीट में 60 बच्चे होते हैं, तो 60 बच्चे में से 3 बच्चों को TFWS का बेनिफिट हो सकता है, TFWS का बेनिफिट 3 बच्चों को हो सकता है एक बैच में। आफ्टरनून शिफ्ट में ये फैसिलिटी नहीं है, 2 शिफ्ट रहे, जैसे कि एक कॉलेज में 120 बच्चे रहे, एक मॉर्निंग शिफ्ट है 60 की और दूसरी 60 की है, ओके। तो इस मॉर्निंग शिफ्ट में ही 3 बच्चों को लेते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, 8,00,000 के नीचे फैमिली का इनकम होना बहुत ही जरूरी है, ओके। आगे बढ़ते हैं EWS, EWS कोई कैटेगरी वाला बच्चा इस पे अप्लाई मत करना, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी सॉरी एससी एसटी
वीजेएनटी बाकी सब जो कैटेगरीज है उनको 100% ट्यूशन फीस माफ है। तो फायदा क्यों, आधी फीस भरना चाहते हो क्या? इसमें हम लोगों को 50% डिस्काउंट मिलता है फीस भरने में, ठीक है? किसमें? ओनली ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं, ओनली ट्यूशन फीस की। तो ईडब्ल्यूएस किसने निकालना चाहिए? ओपन प्योर जो ओपन में है उन्होंने, इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट तहसील से मिलता है ये लेके 50% फीस माफ होती है उनको। बच्चों हो गया ओके, 8 लाख के नीचे इनकम होना चाहिए। ईबीसी एक होता है, ये ट्वीट ईबीसी इसके जैसा ही है, बट फर्क ये है बच्चों, ये आधे फीस भरना पड़ती है, यहां पे 100% फीस भरना पड़ेगी और बाद में 1 साल के बाद गवर्नमेंट आपको 50% फीस वापस दे सकता है, ओके? 1 साल के बाद। कभी कभी कुछ कॉलेजेस को एडमिशन की जरूरत रही तो वो कॉलेज वाले मतलब एडजस्ट करते, कैसे? 50% फीस भरो, 50% जो गवर्नमेंट से आएगी वो हम लेंगे, ये भी कर सकते, कॉलेज वाले से बात करना पड़ती, कॉलेज डिसाइड करता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना है नहीं करना है, दोनों सेम, बट यहां 50% ट्यूशन फीस माफ, डेवलपमेंट फीस तो भरना पड़ेगी फुल तरीके से, इसमें भी 50% ट्यूशन फीस वापिस आती, मतलब गवर्नमेंट के पास भरना पड़ता है, साल भर उनके पास फीस देती, 1 साल के पास वापिस देते आते फीस, ठीक है ना? ये ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में फर्क है। ईडब्ल्यूएस में ऑलरेडी 85% कॉलेज में फीस भरनी है, बाकी फीस नहीं भरनी, यहां पे 100% भरनी है। जैसे कि 1 लाख भर दी, 50,000 6-8-9 महीने के बाद रिटर्न आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ओके? ये फर्क है बच्चों, समझ में आया होगा? ओ, मतलब थोड़ा सा देखो, ये भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ईबीसी का मतलब होता 8 लाख के नीचे ही इसका भी आप लोगों को फैमिली सर्टिफिकेट मतलब इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यार ये जो फीस का स्ट्रक्चर है ये आपको बाद में जैसे सीईटी सेल कैप राउंड चालू करता है, एफसी सेंटर, फैसिलिटी सेंटर, ये सेंटर कैप राउंड चालू हो जाते हैं, इसके पहले कॉलेज का नाम, उसकी फीस, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस, टोटल फीस, ऐसा एक चार्ट बना के देता है, उसमें आप लोगों को कॉलेज का नाम देख के ये सब फीस देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फीस है अपने माँ बाप को, अपने घर वाले को एक बार वीडियो जरूर दिखाए। न्यू है चैनल तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनने के लिए कॉमेंट करें ताकि उस लेवल पे हम लोग वीडियो बनाते रहे। तो चलो, बाय, जय हिंद, जय भारत।